दुर्ग नगर निगम द्वारा रविवार को दुर्ग के राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जहां रंग बिरंगी फूलों की विभिन्न प्रजातियों से उद्यान को सजाया गया। लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पुष्प प्रदर्शनी का लुत्फ उठाया। प्रदर्शनी का उद्घाटन दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने किया। इस अवसर पर दुर्ग के विधायक अरुण वोरा ने रन एसी न्यूज से खास चर्चा करते हुए कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के मकसद से ये आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं विधायक अरुण वोरा से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम फ्लावर शो में हैं। जी हाँ, दुर्ग नगर निगम के उसके बाद में महापौर धीरज बाकलीवाल ने लगातार 4 वर्षों से इसको सफल बनाते हुए फ्लावर शो का आयोजन किया है। इस वक्त हम दुर्ग विधायक अरुण वोरा के साथ हैं, फ्लावर शो में मुख्य अतिथि हैं। उनसे पूछेंगे कि फ्लावर शो किस तरह का है और यहाँ पर जो व्यापक तैयारियां की जाती है और निगम का क्या योगदान इसमें रहता है। देखिए, फ्लावर शो का बहुत सफल आयोजन हुआ है, 4 साल से ये आयोजन हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले हम लोग मैत्री बाग जाया करते थे फ्लावर शो देखने के लिए, अब 4 सालों से हम अपने ही शहर में हैं और फ्लावर शो देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, जो भीड़ उमड़ती दिखलाई दे रही है। मैं तो सुबह से यहाँ हूँ और 4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, हर साल दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सबके मन में यह उत्कंठा रहती है कि इस बार नया क्या होगा, तो हर बार नए लाने की कोशिश की जाती है पर्यावरण विभाग के द्वारा। तो आपने देखा होगा कि राम वन गमन पथ, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनने जा रहा है और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इससे सरोबार है हमारा ये फ्लावर शो। और लगभग 80 प्रजाति के फूल यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें 240 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया है और सबने अपने अपने तरीके से जो फूल हम लोग देख नहीं पाते हैं गार्डनों में, अपने बगीचे में, वो सारे फूल हमको यहाँ दिखलाई दे रहे हैं। तो बहुत सफल आयोजन है। राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो यहाँ पर रेखांकित किया गया है, उसका लाभ क्षेत्रवासियों को कितना और किस तरह मिल रहा है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि आज किसानों के चेहरे में खुशी है। राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना से लोग, हमारे किसान कितने खुश है, किसान खुश है तो हम लोग खुश है। और आप ये राम वन गमन पथ देख रहे हैं, जिसे हमारे मन में धार्मिक भावना, आपसी सद्भाव, भाईचारा और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान हो, ये बात हमारे मन में आती है। और सभी धर्मों का सम्मान करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इस बात को यहाँ पर चित्रण किया गया है। और आप देखेंगे कि गोबर, जिसको हमारी सरकार ने गोबर 2 रुपए में खरीद के वर्मी खाद बनाया, उसके बाद गोबर से पेंट भी हो रहा है, ये पहली बार देखने के लिए मिला है। आप दुर्ग विधायक हैं और यहाँ महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपना कार्यभार संभालते ही 4वां वर्ष शानदार ये दिया है, महापौर धीरज बाकलीवाल के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और हमने राज्य सरकार से धनराशि लाने में कोई कमी नहीं की और जो धनराशि हमने लाई उस राशि का उपयोग हुआ है और लोगों को उससे फायदा मिला है। सर, आपका बहुत धन्यवाद।